Hello friends, this is Nivedita. Welcome to my channel. How are you all? Hope you all are fine. आज मैं एक एग करी का एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल में मेरे स्टाइल में बनाई, होप आपको जरूर पसंद आएगा। तो उसके लिए मेरे वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज एंड तक वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो में दिख रहा होगा जो बेसिक सामान है, एक कैप्सिकम और दो टमाटो फर्स्ट लेना है। देन एक को एक बड़ा सा पॉट में पानी ऐड करेंगे और एक को सारे उसमें पुट करेंगे। और एक 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड की हूँ। सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा कि जब एग बॉईल हो जाएगा तब ये इसके जो छिलके रहते हैं प्रॉपरली वो कवर उससे निकल जाएंगे। चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। एक एग वाले पॉट को इसमें हम रखेंगे और कुक होने के लिए हम 10 to 15 मिनट्स वेट करेंगे। और अब फ्लेम रहना चाहिए, हाई मीडियम फ्लेम में रखना है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मसाले के लिए हमें जीरा, 2 रेड चिली, काजू और जो ब्लैक पेपर रहता है, काली मिर्च और जो 2 टमाटो काट के रखी हूँ। सारे चीज अब मिक्सी के जार में हम एक एक करके ऐड करेंगे। अब इसमें हम एक छोटा सा जिंजर का टुकड़ा मसाले में ऐड करना है, इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। देन थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए इसी तरह एक फाइन पेस्ट बनाना। चलिए अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक बड़ा सा ऑनियन, इसको मैंने फाइन चॉप करके रखी हूँ। देन धनिया के पत्ते को फाइन चॉप करके रखी हूँ और सारे एक के सारे छिलके निकाल दिए हूँ। देखिए प्रॉपरली सारे छिलके निकल भी गया है। कैप्सिकम तो मैं काट के रखी थी। अब कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें हम तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होने तक वेट करेंगे। अब गरम हो गया है, इसमें सारे अंडे एक एक करके हम फ्राई होने के लिए कुक करेंगे। इसको हल्का गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसको पलटाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साइड में जो बेल बटन रहता है उसको प्लीज़ क्लिक कर देना है। देखिए एग फ्राई हो गया है, इसको हम सारे प्लेट में निकाल देते हैं। चलिए उसी तेल में हम सारे ऑनियन को पुट करेंगे, हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये जो रेसिपी है फुल ऑफ विटामिन, रिच ऑफ प्रोटीन है और थोड़ा सा यूनिक स्टाइल के बना है। प्लीज़ घर में एक बार ट्राई कीजिए।
और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कैसा बना था। देखिए अनियन अब फ्राई हो गया है। अब हम इसमें जो पिसा हुआ मसाला रखे थे इसको हम इसमें पुट करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहना है। टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड की हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। और सारे मसाले को प्रॉपरली मिक्स करना है। हम मसाला को तब तक फ्राई करें जब तक मसाला तेल छोड़ना दे, सारे तेल ऊपर आ गया है। इसमें आप जो कोरिएंडर लीव काट के रखे थे इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे मसाला में। देन प्रॉपरली मिक्स करना है। मसाला देखिए अब फ्राई हो गया है। अब इसमें सारे जो कैप्सिकम काट के रखे थे इसमें हम पुट करेंगे और इसको हम मसाला में प्रॉपरली मिक्स करना है। चलिए इसमें हम कवर कर देते हैं और 5 मिनट तक ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और बीच बीच में चेक करके हम इसको पलटाते रहना है। चलिए फिर से कवर कर देंगे। जो फ्राइड एग था मैं इसको प्लेट में निकाल ली थी, अब इसको हम सारे इसी शेप में काटना है। 4-4 पीसेस में काटना है। देखिए मैं जिस तरह वीडियो में काट रही हूँ उसी तरह से काटना है। ये जो रेसिपी है फुल ऑफ वाइटामिन है, फुल ऑफ प्रोटीन है। घर में प्लीज एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है और थोड़ा स्टाइल भी यूनिक है। चलिए प्लेट निकाल के चेक करते हैं कि ये फ्राई भी हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, गरम पानी ऐड करना है। आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। कवर कर देंगे और 5 मिनट तक कुक करने के लिए रखेंगे। देखिए सारे कैप्सिकम अब कुक हो गए हैं। चलिए इसमें हम सारे एग की पीसेस को हल्के हाथ से धीरे धीरे ऐड करना है। इसको हम आराम से चलाएंगे, स्पून से धीरे धीरे पलटाना है, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें सारे जो एंड में कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। अगर आप गरम मसाला ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो, लेकिन गरम मसाला के बिना भी बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि ऑलरेडी हम पेपर ऐड किए थे, इसका टेस्ट थोड़ा अलग ही आता है। देखिए बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है।
और टेस्ट भी बहुत यूनिक आएगा। होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, तो घर में प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कीजिए किस तरह बना था और वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।